जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करेंगे होम गार्ड भर्ती के बारे में, जो 32,000 भर्ती आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो भर्ती संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसमें भर्ती होने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से आवेदन होते हैं, पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय से अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, पूरी जानकारी करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, होम गार्ड के 32,000 खाली पदों पर भर्ती होगी। जो होम गार्ड के 32,000 पद हैं उनके पदों पर भर्ती होने वाली है। होमगार्ड विभाग सशक्त महिला एवं सक्षम युवाओं की भर्ती करेगा। विभाग ने होमगार्ड के जवानों के खाली पड़े 32,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। हर साल 7,000 पुरुष और 4,000 महिला जवान के पद भरे जाएंगे। यानी हर साल जो पद भरे जाएंगे, 7,000 पुरुष और 4,000 महिलाओं जवान के पद भरे जाएंगे। इसमें 20% महिलाओं की भागीदारी रहेगी, यानी महिलाओं को 20% इसमें भागीदारी मिलने वाली है। जैसे कि मानो अगर 100 वैकेंसी हैं, 100 में से 80 पुरुष होंगे और 20 महिलाएं होंगी। इस प्रकार से ये पद भरे जाएंगे। सरकार के 100 दिन के कल्याण संकल्प पत्र में विभाग ने पहली प्राथमिकता में भर्ती को रखा है। यानी कि सरकार का जो 100 दिन में भर्ती कराने का जो संकल्प है, उसमें सबसे पहले उन्होंने होम गार्ड की भर्ती को ही रखा है। होमगार्ड मुख्यालय में 31 मार्च को होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अगुवाई में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार खाली पदों पर भर्ती और उपलब्धियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं। यानी कि जो इसमें वैकेंसी खाली हैं उनका जो नोटिस है, वो जो इनके सचिव हैं अनिल कुमार, उन्होंने इसका नोटिस दे दिया है कि इतनी वैकेंसी खाली हैं और इन पर भर्ती कराई जाए। होमगार्ड DIG रणजीत सिंह बताते हैं कि विभाग में 1,18,348 पदों के सापेक्ष 85,000 होमगार्ड हैं। यानी कि जो होमगार्ड हैं, होमगार्ड के DIG हैं रणजीत सिंह, उन्होंने बताया कि 1,18,348 पदों में से अभी भी 85,000 होमगार्ड हैं, बाकी पद खाली हैं। आगे बात करते हैं, करीब 32,000 पद खाली हैं। हर साल 4,000 जवान रिटायर हो रहे हैं और महिलाओं के 4,000 पद में से 1,500 पद खाली हैं। यानी कि हर साल में होमगार्ड रिटायर हो रहे हैं और महिलाओं के भी पद खाली चल रहे हैं। इस पर DIG रणजीत सिंह ने विभाग में नोटिस दे करके बताया है कि 1,18,348 में से 80,000 पद हैं, बाकी पद खाली चल रहे हैं। आगे बात करते हैं, महिलाओं के 4,000 पद में से 1,500 पद खाली चल रहे हैं, जो कि महिलाओं की भी भर्ती होने वाली है। आगे बात करें, 4,000 सेवानिवृत्त हो रहे, यानी 4,000 जो रिटायर होकर जा रहे हैं, तो DIG रणजीत सिंह के मुताबिक हर साल 4,000 होमगार्ड के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 5 साल में 20,000 पद खाली हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे रिटायर होंगे होमगार्ड, वैसे वैसे हर साल उनकी वैकेंसी के अनुसार पद को भरा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको भर्ती की अपडेट मिलती रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी वीडियो अपडेट आप तक पहुँच सकें। 20% महिलाओं की भागीदारी होगी। हर साल 7,000 पुरुषों के पद भरे जाएंगे, महिलाओं के 4,000 में से 1,500 पद खाली हैं। तो ये एक मोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमने दे दी। जल्दी इसके आवेदन हो जाएंगे और जल्दी से भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।